Hello students, welcome to the channel Learner Bigyan. So today we will deal with the session 2 of Spreadsheet Advanced, that is linking spreadsheet data. So coming to the introductory part, बहुत बार आप ये देखते होंगे कि आपका जो डेटा है वो स्टोर्ड है आपकी मल्टीपल शीट्स में, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आप एक शीट रेफ़र करो और उससे आपको जितनी भी लिंक्ड शीट्स हैं उसके साथ मल्टीपल शीट्स हैं उनका भी डेटा एक साथ आपको कंसोलिडेट होकर के पता मिल जाए और पता लग जाए आपको क्या है उसका ओवरऑल व्यू. तो इस सेशन में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स के साथ और कैसे हम उन सारी शीट्स को एक दूसरे के साथ लिंकअप कर सकते हैं. तो चलिए हम ये जानते हैं कि नीड क्या है मल्टीपल वर्कशीट्स का. जैसे कि रियल लाइफ डेटा की अगर हम बात करें, रियल लाइफ में बात करें, तो हमें क्या है मल्टीपल वर्कशीट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिंगल वर्कशीट के साथ हमें वो पर्पस, वो चीज़ सर्व नहीं हो पाती है जो कि हमें मल्टीपल शीट्स हमें सर्व कर सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे कि एक कंपनी है जिसके अकाउंट जो है वो मेंटेन है 2-3 बैंक्स में. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2-3 बैंक में उसका अकाउंट मेंटेन है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास डिफरेंट सेपरेट वर्कशीट्स होंगी डिफरेंट बैंक्स की. लेकिन जब उसको बैंक स्टेटमेंट निकालना होगा, बैंक स्टेटमेंट मींस योर ओवरऑल थिंग, दैट मींस हाउ योर बैंक इज़ वर्किंग ऑन, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, क्या है प्रॉफिट है लॉस है, क्या है सब चीज़ निकालने के लिए, तो आप हमेशा से लोग यही प्रेफर करते हैं कि जितने भी बैंक्स हैं उनके, उनका सारा डेटा एक जगह कंसोलिडेट होकर के उनको मिल जाए एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, जिससे कि वो फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें कि उनको क्या करना है आगे चल करके और क्या करना है. तो इसी वजह से जो हमें इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हमें फैसिलिटेट करता है कि हम मल्टीपल शीट्स का यूज़ कर सकें. तो मल्टीपल शीट्स की जब सेटिंग की बात आती है तो हम ये जानते हैं जो हमारी कैल्क की वर्कबुक है वो हमें मल्टीपल शीट्स प्रोवाइड करती है. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 3 वर्कशीट्स मिलती हैं हमारे स्प्रेडशीट विंडो पे जब हम खोलते हैं. तो दिखाती हूँ मैं आपको. तो आप लोग ये देख सकते हो कि आपके बुक में दिया गया है शीट 1, शीट 2, शीट 3. उसी तरीके से सिस्टम पे भी ये चीज़ प्रेजेंट रहती है. ये देखिए मैंने ओपन ऑफिस कैल्क खोल रखा है, ओपन कर रखा है. ये देखिए इस पे भी शीट 1, शीट 2, शीट 3 ओपन है. ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड है आपके स्प्रेडशीट पर, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड है. अब हम बात करते हैं कि हम शीट्स को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी वर्कबुक में. तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. यहाँ पे 3-4 डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स हैं जिसका यूज़ करके आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो अपने वर्कबुक में. तो आइए देखते हैं. तो पहला आपका स्टेप ये है, पहले आप इंसर्ट में जाओगे. इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे शीट मेंशन है, आप शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए डायलॉग बॉक्स बन करके आ जाएगा इंसर्ट शीट का. उसके बाद आप ओके कर दोगे तो आप नीचे देखोगे कि आपकी यहाँ पे शीट 4 भी आ गई है. उसी तरीके से दूसरे स्टेप्स के थ्रू भी आप कर सकते हो. आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर लिख करके आएगा इंसर्ट, ठीक है, यहाँ पर आप इंसर्ट क्लिक कर दोगे, इंसर्ट शीट आएगा लिख करके. यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया. फिर आप इसे ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपकी शीट 5 ओपन हो गई, ठीक है. उसी तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों का स्टेप्स का यूज़ करके अपनी शीट एडअप कर सकते हो. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, फिर यहाँ पे इंसर्ट शीट आएगा, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, फिर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा और फिर मैं यहाँ पे ओके कर दूँगी तो ये देखिए शीट 6 भी आ गई यहाँ पे ओपन होकर के. तो इसी तरीके से आप शीट्स को इंसर्ट कर सकते हो अपने ओपन ऑफिस कैल्क में. तो यही सारे स्टेप्स थे आपकी बुक में. ये देखिए इंसर्ट होकर के मैंने बताया शीट, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर इंसर्ट आएगा शीट. तो ऐसे ऐसे करके ये आपका डायलॉग्स बॉक्स आएगा, तो ऐसे ऐसे करके आपकी शीट इंसर्ट हो गई. तो यही सारी चीज़ें थी स्टेप वाइज फॉर्म में जो मैंने आपको करके दिखाई सिस्टम पे. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिनेमिंग अ शीट. हम लोग शीट को रिनेम भी कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपके सिस्टम में शीट 1, शीट 2 ऐसे करके नाम लिख करके आता है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी शीट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी नेम देना चाहो उसके हिसाब से सेट हो जाए, तो आप उसको रिनेम भी कर सकते हो. तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. उसके लिए आप क्या करोगे, शीट जैसे 6 है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे राइट क्लिक, तो यहाँ पे रिनेम शीट का ऑप्शन आ रहा है. इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये देखिए शीट 6 लिख कर क्या रहा है. अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो. आप चाहते हो कि इसका नाम लर्नर भी ज्ञान हो जाए तो आप LBG लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, एंड देन यू विल प्रेस ओके.
तो आप नीचे देखोगे कि यहाँ पे शीट का नाम LBG हो गया है, शीट आपकी रीनेम हो गई। इस तरीके से आप चीज़ों को रीनेम कर सकते हो अपनी शीट को। अब हम बात करेंगे डिलीटिंग अ शीट। शीट जो हमने ला दी है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा शीट्स हो गई हैं हमारे पास, हमें उसे डिलीट करना है, ओवरलोडेड हो गया शीट का, तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, जैसे शीट टू मुझे डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है डिलीट शीट का। मैं इस पर जब क्लिक करूँगी तो ये पूछेगा रियली आप अपनी शीट को डिलीट करना चाहते हो। यू विल प्रेस येस एंड देन यू विल सी कि आपकी शीट टू जो है वो यहाँ से हट गई है, वो डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट, रीनेम एंड डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो अपने ओपन ऑफिस कैल्क पे। अब हम बात करते हैं लिंकिंग शीट्स यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर शीट्स। ठीक है, कभी कभी जब हम लोग मल्टीपल शीट्स के साथ काम करते हैं तो कुछ सिचुएशंस हमारी ऐसी आ जाती हैं कि हमें उन शीट्स का जो डेटा होता है वो यूज़ करना रहता है, जो स्टोर्ड रहती हैं शीट्स के डेटा जो अनदर शीट्स में स्टोर होते हैं उनको हमें अपने डिफरेंट वर्कशीट में यूज़ करना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लिंकिंग शीट्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, हम डिफरेंट शीट्स का भी डेटा का यूज़ कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं, उनसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए लिंकिंग शीट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि हम अपनी शीट्स को लिंकअप कर सकें। अब आप देख सकते हो आपके बुक में कुछ स्टेप्स मैंशनड हैं यहाँ पर, जिनका यूज़ करके इन्होंने एक शीट के डेटा को दूसरे शीट के डेटा से लिंकअप कर दिया है। तो वो कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो जानते हैं कि हम कैसे लिंकअप कर सकते हैं। तो हम ये हमारी शीट टू है, हम शीट टू पे प्रेस किए तो हम शीट टू पे आ गए। ठीक है, तो इसके ए पार्ट में हम कुछ वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 1400। ठीक है, अब हम शीट थ्री पे क्लिक किए, अब हम शीट थ्री पे आ गए। शीट थ्री के जो बी फोर पार्ट है, दैट मीन्स बी एंड इधर से फोर, दिस इज़ बी फोर कॉलम, ओके, इस पर क्लिक किया और हमने कुछ वैल्यूज़ या कुछ नंबर डाल दिए, लाइक हमने 600 डाल दिया। फिर हम लोग शीट वन पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग इज इक्वल्स टू का फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद हम शीट टू में फिर से जाएंगे और ये जो हम लोगों ने लिखा है 1400, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ये देखिए ऊपर आ भी रहा है शीट टू का, आपने A1 को सेलेक्ट किया है तो ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर हम लोग एक प्लस का साइन लगाएंगे, दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग एन एडिशन पार्ट। फिर आप शीट थ्री में जाओगे, आपने जो 600 लिखा है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल आ गई कि आप शीट थ्री के B4 पार्ट पे, उसकी डिटेल आ गई, ये आपकी इनपुट लाइन है। एंड देन जब ये आ गया यू विल प्रेस एंटर। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आप शीट वन पे आ गए और जो आपने शीट टू में और शीट थ्री में जो डेटा डाला था उसकी वैल्यू एडअप हो गई 600 में। हमने 1400 प्लस किया तो हमें शीट वन में 2000 एडअप होकर के उसकी वैल्यू मिल गई। इसी को बोलते हैं लिंकिंग शीट्स। तो आप देख सकते हो आपकी बुक में भी वही चीज़ें करके दिखाई हैं। देखिए मैंने यही फार्मूला पुटअप किया था शीट वन में, ये देखिए इन्होंने भी यही फार्मूला पुटअप किया है, ये हमने यहाँ पे पुटअप किया था। और इन्होंने 1400 को और 600 को जब प्लस किया तो इन्हें वैल्यू, और इन्हें क्या वैल्यू मिली, 2000 वैल्यू मिली। यही चीज़ हम लोग का भी आ रहा था, 2000 हमारी वैल्यू आई थी। तो यही सारे स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके आप शीट्स को लिंकअप कर सकते हो। इट्स सो ईजी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू कीबोर्ड। अभी हमने जो भी करके देखा अभी लैपटॉप में, वो हमने कीबोर्ड का यूज़ करके क्रिएट किया था, हमने लिंकअप किया था। अब हम बात करते हैं कि हम माउस का यूज़ करके कैसे लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं और लिंक्स को कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ लिंकअप कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अब आप अपने बुक का ये पार्ट देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा दिस इज़ सो हैक्टिक, आप कैसे परफॉर्म करोगे चीज़ों को। इट्स वेरी इजी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको लगेगा इट वाज वेरी इजी, कितना इजी था और बुक में कितना टफ दिख रहा है। तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेट्स सी। सो आप देख रहे हो ये आपका ओपन ऑफिस कैल्क ओपन है और यहाँ पर कौन सी शीट ओपन है, आपकी शीट फाइव। ठीक है, तो मैंने शीट फाइव में मंथली सैलरी एंड उसका बैलेंस लिख रखा है। मंथली सैलरी ये लिख रखी है और उसका बैलेंस हमें जानना है क्या होगा। ठीक, तो उसमें आपके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, आपने कुछ चीज़ें बहुत खर्चा किया होगा और कुछ आपने उन पैसों से कुछ सेविंग्स भी करी होगी। ठीक, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए शीट थ्री भी क्रिएट की है जिसमें हम बात कर रहे हैं
कि हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, हमने ग्रॉसरीज इतने की खरीदी, केयर आइटम, फ्यूल कॉस्ट, बिल्स हैं, कपड़े और शूज़ में कितना खर्चा हुआ, स्नैक्स में, ईटिंग हम लोगों ने जो बाहर की है, फ़न किया है, स्पोर्ट्स, हॉबी और बुक्स में, तो हमारा ओवरऑल इतना खर्चा हुआ है। तो जब इतना खर्चा हुआ है तो उसका टोटल हमारा ये आया है, ठीक है, 30,600 आपकी वैल्यू आई है इस खर्चे की, जो आपने सिर्फ खर्चा किया है। और अब हम बात करते हैं आपने सेविंग्स कितनी की है, जो मैंने शीट फोर में उसका डेटा बनाया है, ये शीट फोर में बनाया है, देखिए शीट फोर आपकी ओपन है यहाँ पे। तो ये आपकी सेविंग्स है, आपका फिक्स डिपॉजिट 7,500 का हुआ, आपकी सेविंग्स 3,000 क्यूई, पीपीएफ आपका 5,000 था और एसआईपी आपका 5,500 था, उसका टोटल आपका आया 21,000। तो ये आपकी सेविंग्स थी, ठीक। अब हम फिर से आते हैं अपनी शीट फाइव पे, जहाँ पे हमें बैलेंस निकालना है, हमारा बैलेंस कितना हुआ। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग अप्लाई करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका फंक्शन है, आपने इज इक्वल्स टू दबाया, ठीक है, क्लिक किया आपने, उसके बाद हम डालेंगे C2 मैंने लिखा, एंड देन माइनस का साइन लगाऊंगी, ये लगाया मैंने माइनस का साइन, ठीक है। अब हम एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम सम निकाल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे हम सम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम किस में जाएंगे, शीट थ्री में जाएंगे, शीट थ्री में हम गए, ये हमारा टोटल था, तो हमने इस पे जब क्लिक किया तो हमारे पास देखिए डिटेल आ गई, शीट 3.B15, ये हमारी शीट थ्री खुली हुई है, इसका हमने B15 पार्ट को सेलेक्ट कर रखा है, तो वही चीज़ की डिटेल यहाँ पे क्लिक ओपन होकर के आ गई। अब हम किस में जाएंगे, शीट फोर में जाएंगे। जब हम शीट फोर में गए तो ये हमारी सेविंग्स पार्ट थे, वो हमारा एक्सपेंसेस था शीट थ्री वाला, ये हमारा सेविंग्स पार्ट है। जब हमने यहाँ नहीं, और उसके बाद पहले हमें यहाँ पे प्लस लगा देना, ऑब्वियसली बात है क्योंकि आप प्लस कर रहे हो ना, यहाँ प्लस लगाना ज़रूरी है, प्लस लगा दिया और उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए शीट फोर की वैल्यू आ गई, ये आपकी शीट फोर ओपन है और ये उसका B9 पार्ट है, तो ये B9 की वैल्यू आ गई। एंड देन क्या करोगे आप, एंटर प्रेस करोगे, तो एंटर प्रेस करते हुए आपकी 18,400 आपका बैलेंस आ गया। तो इसी तरीके से ये आपका डेटा कहाँ पे आया, शीट फाइव में। तो आपने शीट फाइव, शीट थ्री और शीट फोर का लिंक अप करके डेटा की वैल्यू किस में निकाल दी, शीट फाइव में निकाल दी। तो इसी को बोलते हैं कि हम माउस का यूज़ करके कैसे अपने डेटा को लिंक अप कर सकते हैं ओपन ऑफिस कैल्क में। तो आप देख सकते हो आपकी बुक्स में भी कुछ ऐसी स्टेप्स बने थे, मंथली सैलरी और बैलेंस का बना था, यही चीज़ मैंने भी बनाई, ग्रॉसरीज वगैरह मैंने लिख रखे थे, ये मैंने शीट थ्री में बनाया था, और फिर मैंने सेविंग्स कर रखी थी जिसको मैंने शीट फोर में बनाया था, फिर उन लोगों ने भी यही फार्मूला अप्लाई किया जो मैंने आपको करके दिखाया बैलेंस वाला, और फिर उनको भी यही आउटपुट मिला 18,400। तो यही कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इट्स सो ईजी, आपको कितना हैक्टिक लग रहा था देखिए कितना ईजिली परफॉर्म हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिंकिंग चीज़ें। हमने इसमें कौन कौन सी शीट का यूज़ किया, हमने शीट फाइव का यूज़ किया, थ्री का यूज़ किया एंड फोर का यूज़ किया, और इन दोनों का लिंकअप करके आउटपुट हमें किस में मिला, शीट फाइव में। तो इसी को बोलते हैं लिंकअप करना विद द हेल्प ऑफ माउस। सो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाइपर लिंक टू द शीट। तो डॉक्यूमेंट हाइपर लिंक क्या होती है, एक तरह की आपकी लिंक होती है जिसको ओपन करके आप अपने लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हो, चाहे वो एक आपकी स्प्रेडशीट हो सकती है, या वो आपका कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, या आपकी कोई इमेज फाइल हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप जो हो स्प्रेडशीट पे भी आप अपनी हाइपर लिंक्स को अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो आपके यहाँ पे डिस्क्राइब्ड हैं। इस तरीके से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा हाइपर लिंक का, और आप ऐसे चूज़ कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगी। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप ये स्टेप्स याद कर लेना, एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। और जैसे कि आपका 10th का बोर्ड है तो 50% आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा, 50% आपकी थ्योरी पार्ट होगा, तो आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए प्लस आपको थ्योरी लिखना भी आना चाहिए। जिस तरीके से आप चीज़ें अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, कर रहे हो सिस्टम पे, उसी चीज़ को बस आप वर्ड्स के फॉर्म में लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। सो हाइपर लिंक अप्लाई कैसे करना है, हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद हम हाइपर लिंक चूज़ करेंगे, तो ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा हाइपर लिंक का, ठीक है। इस डायलॉग बॉक्स को आप ड्रैग भी कर सकते हो ऐसे यहाँ पे भी आप चाहो अपने सिस्टम पे, तो ये मैंने ड्रैग किया यहाँ पे। यहाँ पे मैं पाथ सेलेक्ट करूँगी, जैसे मैं यहाँ पे इमेज फाइल चाहती हूँ, तो मैंने सब मैंने अपने सिस्टम से लाइक मैंने ये फ्लावर चूज़ कर लिया और उसके बाद मैंने इसे ओपन किया।
इसे ओपन करने के बाद आप टारगेट चूज़ करोगे, मींस आप कौन सी अपने डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ अप्लाई करना चाहते हो। तो जब आप टारगेट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्लाइड वन एंड डिफ़ॉल्ट। तो मैं स्लाइड वन पे चाहती हूँ, मैंने स्लाइड वन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक, फिर मैंने ये हटा दिया। अब उसके बाद आप किस फॉर्म में चाहते हो अपने पिक्चर को, टेक्स्ट के फॉर्म में चाहते हो या बटन के फॉर्म में चाहते हो। तो जैसे मैं बटन के फॉर्म में चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया एंड देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो जैसे ही मैं अप्लाई यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये देखिए आपके बटन के फॉर्म में यहाँ पे आपका सैम्पल पिक्चर्स आ गई, देखिए बटन के फॉर्म में आ गया आपका। आप इस पर से क्लिक करोगे तो ये उस चीज़ की डिटेल भी देगा हमें कि ये आपका यूज़र्स है, ये आपकी पिक है, तो ये आपको डिटेल देगा। यही चीज़ आप टेक्स्ट के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप इंसर्ट में जाओगे, हाइपरलिंक में जाओगे। हाइपरलिंक में जाने के बाद आपके सामने फिर से ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, इसे आप ड्रैग कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जाओगे, अपनी इमेज फाइल ओपन करोगे। लाइक मैंने आपकी बार ये डेजर्ट क्लिक करा, मैंने ओपन किया, फिर मैंने टारगेट चूज़ किया, मैं कहाँ पर चाहती हूँ, स्लाइड वन पर चाहती हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैंने अप्लाई किया यहाँ पर। अब की बार मुझे टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए, बटन के फॉर्मेट में नहीं। यहाँ पे बटन और टेक्स्ट ऑप्शन है, मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर रखा है एंड देन आई विल अप्लाई, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट के फॉर्म में चीज़ आ गई, ये बटन के फॉर्म में थी, ये आपके टेक्स्ट के फॉर्म में आ गई। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम पे हाइपरलिंक्स को अप्लाई कर सकते हो बटन या टेक्स्ट के फॉर्म में। तो यही सारे आपके बुक में कुछ स्टेप्स थे जिनका यूज़ करके, देखिए टारगेट का हमने यूज़ किया, इन सारे चीज़ों का यूज़ करके हमने हाइपरलिंक अप्लाई किया। अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैंने लिंक के फॉर्मेट में भी किया था, टेक्स्ट के फॉर्मेट है, ये बटन का फॉर्मेट है, इसी तरीके से मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो आप ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो आपको जिस टाइप से चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स की। तो हाइपरलिंक आपकी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी रिलेटिव हाइपरलिंक और दूसरी आपकी होती है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होती है? रिलेटिव मींस होता है विथ रिस्पेक्ट टू योर करंट लोकेशन, जो भी करंट लोकेशन पे चीज़ें हैं वो हमारी रिलेटिव हाइपरलिंक हो जाती हैं। रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है? एक पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे करंट एक्टिव लोकेशन के बारे में बताता है, मींस इस समय करेंटली जो जिस भी लोकेशन पे हम हैं या जो भी लोकेशन हमारी ओपन है वही हमारी रिलेटिव हाइपरलिंक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो ये आपका मेन है, मेन को हम बोलते हैं पेरेंट, ठीक है, और मेन के दो पार्ट्स हैं, एक उसका सेकेंड है और एक उसका ss1.ods है। सेकेंड जो है वो सब फोल्डर में डिवाइडेड है, एक आपका ss2 है, एक आपका ss3 है। तो ये आपका पेरेंट है और ये उसके सारे चाइल्ड्स हैं। इस फॉर्मेट में आप चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सिंपल वर्ड्स में पेरेंट एंड चाइल्ड फॉर्मेट भी बोल सकते हो, रिलेटिव लिंक को पेरेंट एंड चाइल्ड फॉर्मेट आप बोल सकते हो। और ये चीज़ तो सबको पता होगी, जो चीज़ सबसे टॉप पे है उसी को हम रूट बोलते हैं, क्योंकि एक रूट से ही आपका पूरा पेड़ खड़ा होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये पेरेंट है, उसी पेरेंट के सारी ये चाइल्ड्स हैं, सब उससे जुड़े हुए हैं। ये चीज़ जाननी इम्पॉर्टेंट होती है रिलेटिव हाइपरलिंक में, वो चीज़ ये है कि अगर सिंगल डॉट है दैट मीन्स आपका करंट डायरेक्टरी या करंट फोल्डर आपका ओपन है, और अगर आपके दो डॉट्स हैं दैट मीन्स डबल डॉट्स हैं, उसका मतलब आपका पेरेंट फोल्डर खुला हुआ है। तो ये चीज़ रिलेटिव हाइपरलिंक में इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक की। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एक पाथ है, मतलब रास्ता बताता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट तक कैसे पहुँच सकते हो जब आप उसके टॉप से स्टार्ट करोगे। आप उसके टॉप से जैसे स्टार्ट करोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट तक कैसे पहुंच सकते हो, ये चीज़ आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बताता है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है। जब भी आप डिस्प्ले करते हो हाइपरलिंक अपने कैल्क में तो वो हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म में ओपन होकर के आता है, ये चीज़ हमें हमेशा याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक का कई यूज़फुल है, ऑब्वियसली बात है, हमारी हाइपरलिंक यूज़फुल है क्योंकि हम इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी अपलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स,
ठीक है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा लार्ज नहीं बनाती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम इसमें बटन और लिंक वगैरह लगा देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो छोटा भी रहेगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। दूसरी चीज़, हाइपर लिंक पर क्लिक करके आप जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको अपलोड कर सकते हो, और ये रीडर फ्रेंडली है, मतलब कोई भी जानता है कि इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लिंक ओपन। तो हमने बात की रीडर फ्रेंडली भी होता है, मीन्स आप ईज़िली उसको पढ़ सकते हो, लिंक के इमेज के फॉर्म में होगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि आप हाइपरलिंक्स को इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपनी शीट्स में, अब हम जानेंगे कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं या कैसे हम लिंक कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटा के कंपोनेंट्स को, सच एज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के पेजेस को या कोई भी टाइप के पेजेस को, आपने कोई प्रोग्रामिंग की हो या कुछ भी, तो आप उनको कैसे लिंक अप कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ डिज़ायर्ड स्टेप्स हैं जो आपकी बुक में मैंशनड हैं, उनका यूज़ करके मैं भी आपको दिखाऊँगी सिस्टम पर आपको कैसे करनी चीज़। तो ये आपका एक HTML फॉर्म में यहाँ पे आपके बुक में शो किया गया है, period 1, period 2, और ये क्या है उसके क्वेश्चंस हैं, इनके मार्क्स हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया तो 2-2 मार्क्स मिले, तो ऐसे अलॉटमेंट्स है चीज़ों का। तो ये आपके बुक में कुछ स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके हम एक्सटर्नल डेटा को भी लिंकअप कर सकते हैं। सो, ये बताने की चीज़ तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ, ये मैंने HTML में प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है, ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी प्रोग्रामिंग है, ये देखिए इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग मैंने लिख रखी है, ये मैंने प्रोग्रामिंग की थी अपने स्कूल टाइम में, और इस प्रोग्रामिंग से ये आपका टाइम टेबल जनरेट हो गया था, ये देखिए टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल आपका जनरेट हो गया था, ये आपकी HTML की प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये आप देख सकते हो कोड आपका HTML टाइप है, और ये उसी इतनी ही प्रोग्रामिंग लिख करके पूरी ये पेज आपका टाइम टेबल बन गया था। अब हम इसी टाइम टेबल का जो लिंक है आपके स्प्रेडशीट डेटा में लगाएंगे, ये आपका एक एक्सटर्नल डेटा, ये आपने स्प्रेडशीट में नहीं बनाया, ये आपने HTML में बनाया, ये टाइम टेबल के नाम से सेव है आपके नोटपैड में, लेकिन ये एक्सटर्नल डेटा है आपका। लेकिन हम इसको कैसे लिंकअप करेंगे आपके स्प्रेडशीट में ओपन ऑफिस कैल्क में, तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमें कैसे लिंक अप करना है एक्सटर्नल डेटा को, मतलब अपने HTML डॉक्यूमेंट मैंने जो बनाया है, आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप क्लिक करोगे लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक्सटर्नल डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा आपके सामने, जहाँ पर आपको URL डालना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मीन्स आपको यहाँ पर लिंकअप डालना है जो आपका HTML डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया अपने टाइम टेबल का। तो आप कैसे उसको डालोगे, आप डायरेक्टली जो भी आपका लिंक है वो इसमें पेस्ट कर दोगे। तो पेस्ट कैसे करना है हमें, हम गए इसमें और हमने यहाँ पे पेस्ट क्लिक कर दिया, तो उसकी लिंक हमारी आगे देखिए टाइम टेबल HTML यहाँ पे लिखा है, तो वो हमारी पेस्ट हो गई लिंक। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा इम्पोर्ट ऑप्शंस का, इसमें पूछ रहा है ऑटोमेटिक या कस्टम, तो आप ओके क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपको चाहिए आप ऑटोमेटिक चूज़ करोगे एंड देन आप ओके क्लिक करोगे। उसके बाद पूछेगा आपको HTML ऑल में चाहिए या टेबल्स में चाहिए या HTML 1 में चाहिए, आप क्लिक करोगे HTML ऑल में, ठीक है, और जैसे ही HTML ऑल में क्लिक करोगे और जैसे ही ओके प्रेस करोगे यहाँ पे तुरंत आपका टाइम टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया और मैंने अपलोड ऑल लिंक्स किया, उस पर मैंने यस किया, तो आप देख सकते हो ये टाइम टेबल आपके सामने ओपन होकर के आ गया डे पीरियड वाइज विद द टाइम, ठीक है, सारे दिन का। तो ये देखिए ये मैंने टाइम टेबल जनरेट किया था HTML कोडिंग से, आप कोई भी कोडिंग अप्लाई कर सकते हो, एक्सटर्नल डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं HTML पेज का ही हो, तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को। तो आप देख सकते हो आपके बुक में भी यही स्टेप्स थे लिंक टू एक्सटर्नल, और यही चीज़ हमारे भी खुला, एक्सटर्नल डेटा उसका URL डाला, ऑटोमेटिक प्रेस किया, ओके क्लिक किया, हमारे पास भी कुछ ऐसे ही ऑप्शंस आ रहे थे HTML ऑल टेबल्स, फिर हमने ओके क्लिक किया एंड देन उसके बाद हमें भी ऐसे टाइम टेबल के फॉर्म में अपना डेटा मिल गया। अब हम बात करते हैं लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस, ठीक है, लिंक टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस क्या होता है। आपका ODB जो होता है वो टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, तो आप इसमें ये जानते हो कि ODB में आपका फॉर्मेट है या नहीं,
ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं इसमें, कुछ इनके स्टेप्स हैं, ये सारे आपके स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने लिंकिंग कर सकते हो रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज की। ये देखिए, व्यू में जाएंगे, डेटा सोर्सेज में जाएंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें ओपन होकर के आएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ओपन होकर के आ रही हैं यहाँ पे। ये सारे स्टेप्स का यूज़ करके आप करोगे एंड देन ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो आइए मैं ये करके दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे आपको परफॉर्म करना है, लास्ट टॉपिक आपके बुक का। तो स्टेप्स आपके कुछ इस तरीके से हैं। सिस्टम पे ओपन ऑफिस कैल्क में व्यू में जाओगे, व्यू में जाने के बाद आप डेटा सोर्सेज में जा सकते हो, उसके लिए आप F4 की का भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आप डेटा सोर्सेज पे आ जाओगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट पे जाओगे, डेटा व्यू नहीं, व्यू पे जाओगे, जैसे ही डेटा सोर्सेज पे जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसे स्क्रीन ओपन होकर के आएगी। यहाँ पे आपका बिब्लियोग्राफी लिखा है, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखेगा क्वेरीज इन टेबल्स, ठीक है। आप टेबल्स पे क्लिक करोगे, टेबल्स पे यहाँ पे दिखा रहा है आपका बिब्लियो, ठीक। जैसे ही आप बिब्लियो पे क्लिक करोगे तो आपकी ये टेबल ऑटोमेटिक जनरेटेड है, ये खुल करके आएगी। अब इस टेबल को इस जो ये आपका जो ये जो पार्ट होता है, ये जो एरिया है आपका, इसको बोलते हैं डेटा एक्सप्लोरर एरिया, ठीक है। और ये आपकी रोज़ हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, ये लाइन वाइज आपकी रोज़ होती हैं, ये सारे आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब आप इसी बिब्लियो में से अपने डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। अब सेलेक्ट कैसे करना है उसके लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने PAR00 यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये आइकन है, इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे डेटा टू टेक्स्ट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तुरंत हम देखेंगे कि ये देखिए नीचे हमारी एक टेबल बन करके आ गई, उसका डेटा वहाँ से निकल करके हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमें जैसे चाहिए ये वाला डेटा, फिर हम इस पे क्लिक करेंगे। कैसे क्लिक करेंगे हम, हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया रिकॉर्ड 6 पे हम आ गए, फिर हम इस पे जाएंगे डेटा टू टेक्स्ट पे, और फिर हम देख सकते हैं कि फिर हमारी ये वाली रो आ गई, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गए, फिर हमने ये क्लिक किया तो अब ये रो हमारी यहाँ पे आ गई, जिस जिस एरिया में आपको चाहिए। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस बॉक्स में हमें ये वाली रो चाहिए यहाँ पे, ठीक। हमने फिर यहाँ डेटा टू टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब ये रो हमारी यहाँ पे बन के आ गई, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो ऐसे ही आप अपने डेटा को एडअप कर सकते हो बिब्लियो का यूज़ करके। ये लिंकिंग होती है आपके रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज जो आपके ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं आपके ओपन ऑफिस कैल्क में। सो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यही सारे स्टेप्स थे जो मैंने अप्लाई करके दिखाए। देखिए उन्होंने भी बिब्लियो चूज़ किया, इनकी भी यही टेबल खुल के आई थी, हमारी भी यही टेबल खुल के आई, यही सारी चीज़ें इन्होंने भी यूज़ करी, यही स्टेप्स थे। हमने कैसे डेटा टू टेक्स्ट अप्लाई किया, यही बॉक्स मैंने आपको भी बना करके दिखाया था डेटा टू टेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे करके इन्होंने भी चीज़ों को कॉपी अप किया, और ये देखिए उनकी भी टेबल ऐसी फॉर्मेट में आई जैसे हम लोग की थी। तो ये सारी आपकी एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनसे डील अप किएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, प्लीज़। थैंक यू सो मच।